हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया दी ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं हमारे ससुर जी की जो बहन थी उनके यहाँ शादी है, थी अब नहीं है, तो हम तैयार हो रहे हैं। हमने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर ले, पता नहीं वहाँ पर ब्लॉगिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली पापा जी को लेके चल रहे हैं, तो हम एक ब्लॉग मेमोरी के लिए बना रहे हैं। फुल मेकअप वीडियो, टचअप वीडियो है? नहीं, टचअप। अच्छा, वो देखो तुम्हारी बिटिया रानी, वो भी लगी पड़ी, देखो। अरे प्रियो मत करना बेटा, मैं कपड़ा खराब कर लेंगी। प्रियो लिपस्टिक रखो बेटू, वो देखो खुद लगा रही। खुद लगा रही, मैं कैमरा में ही दिखा रहा हूँ। बिट्टू क्या कर रहे हो, उसको रखो, वो खोल रखी, उसको देख रहे हो तुम से। अरे प्रियो लेकर भाग आई है, जाओ मम्मा दे दो लगाएंगे। बिट्टू जाओ, नहीं कह रही है। जाओ ममक दे, आओ ममक दे दे, बेटू देखो देखो ममक दे, क्या चलो तैयार होकर मिलते हैं। देखो भाई, मैं जो भी लगा रही हूँ लिंक दे दूंगी, आप ले लेना। ये वाला तो बहुत महंगा है, इसका मैं एक मेरे पास इसका कोई लेगा ही नहीं, रेयर ब्यूटी नहीं, तो इसका एक ऑप्शन है मेरे पास, वो अफोर्डेबल वाला। ओके, इससे अच्छा वर्क करता है, पता नहीं क्यों लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। नेहा किसकी बात कर रही हूँ, पता नहीं मुझे, कुछ नहीं पता। वो भी ब्यूटी ही है, के ब्यूटी यार। यस, मैंने उसका रिव्यू शेयर किया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था इंस्टाग्राम से। वो सच में अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है इसमें, लेकिन मैंने उसको अच्छे से सेट कर दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं सोच, मतलब कि सोचो अफोर्डेबल उसको अच्छे से रखी है, जो रेयर ब्यूटी का इतना महंगा से उसको कहीं भी डाल दिया सही। हाँ, वो अफोर्डेबल वाला, ये देखो, ये लो कह रही हो तो ये देखो, ये अब इसे ही निकाल ले रहे हैं, थोड़ा सा देखना भी इसको लगाए हैं ना, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना, कुछ कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, और ये पता भी नहीं चलता, इतना सटल सा ग्लो देता है ना। फाइनली 4 साल बाद इस साड़ी की आई गई ना। इसको पहन के, मतलब किस्मत में लिखा था उनके यहाँ पहन के जाने के लिए, तो और कहाँ पहनती मैं। कहाँ जा रही है आपने बताया? हाँ बता दिया, पता नहीं लोग समझ पाए कि नहीं। मैं बता रही हूँ, जो मेरे दादू हैं उनकी बहन के घर जा रहे हैं लोग। हाँ, मैंने भी फाइनली, लेकिन उनकी बहन है नहीं। हाँ, तो बाकी उनके घर वाले हैं जो लोग हमारे घर पे आते भी हैं, हम लोग के बड़े पापा लगते हैं। हाँ, इन लोग के जेठ, ऐसा रिश्ता है हमारा। ओके, देखो रिश्ता बता दी ना, मैंने उलझाया था, सुलझा दी। मैं जल्दी से तैयार हो रही हूँ, अपने आप को भी थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, मेकअप ना ही सिखावा था, अपने आप को दिखाई ले कैसे ना। ये माँ मेकअप अभी करेंगे, मेकअप करेंगे, इतना अच्छा था। अब भाई हम जाते बाबू, बताओ बाबू देखा थे हाँ, पुट्टी पुट्टी लगावा थे गजब भेजती है यार बब्बा से, एक तो बब्बू कहीं मम्मी ब्लॉग है ना, बब्बा मम्मी ब्लॉग है ना, अब तो बब्बू से भाभी कहीं किसी को ही आ गए। अब बब्बा वाला बब्बा बाबू, एक लड़के बाबू होते हैं, एक जानू बाबू होते हैं, एक दादू बाबू होते हैं, बताओ कंफ्यूजन वाला टाइम आ गया। मैं जेठ जी यही कही थी, इनका सदिन नहीं पसंद पूरा होत बा दिन कई देन कहीं, कितना टचअप होत बा अब के बतावे, टचअप हुआ आधा मेकअप है, टचअप तो जाना ज्यादा ही मुश्किल वाला काम है। कनवा लंग का भाई हो? हां देखा काम ले, गुड क्वेश्चन। सलाम राय जी, चल ना, नहीं रहा है का ना, मैं घर रहे थे जाज सबके, मैं चला था ताला मारा, कोई दिक्कत नहीं बनाते, चल चल चल, अरे करने करने उतार रहे हैं दोस्त, कहीं से बेचारा ना जाए, चले कोई जल्दी कपड़ा पहने निकला, चला मार काम 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 तक घर से, अरे जा जा दादा घर ना, हूं ना तब इतना शाम था वो। हे गाइस, कहां जा रही हो? मैं जा रही हूं, नहीं बोली ना आपसे। अच्छा, मैंने गोदी में लिया था, झगड़ा लगावत है ये, दिखाई झगड़ा लगावत है। अच्छा तू हर साल भाई साहब यार प्राइस जब से के लिए मतलब गड़िया तो ठोई लिया है भाई साहब, आदमी सोच दा ही हो सकत भाई साहब छुई दे गड़िया पे बैठे आए दोनों बंदा है, शॉर्ट्स खोल दूनो। हां हम जाते ही पैसे मार साहब, बड़ा निक शाम का थोड़ा रहा दे। अच्छा ठीक है, तो बीच में जाती है तो बीच में वो ना आ जाते हैं कहीं हम लगे।
आ गए। पापा के बहन के यहाँ आए हैं, तो हम आप लोगों से बाद में बात करेंगे। बारात में चली जाएंगी, खाने के लिए जाते हैं। इतना सच नहीं बोलना था। एक मीठा मई गया। टिक्की है चाहिए? हे गाइस, ये देखो इन दोनों जन को, इतना खाते हैं आप लोग जितना देख रहे हैं। कल मुझे बहुत चिढ़ाया था ना, आज मैं पूरा बदला लेके रहूंगी। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम हैं तो वही डॉट डॉट। अब बड़ी है ना, हम आपको नहीं कह सकते, आप अपने मुंह से कुछ भी कह लीजिए। इधर रच, इधर रच, इधर। बस 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 बस, लाइट बहुत पीछे। हाँ बस बस, परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम एकदम एग्जैक्ट। ये भैया तू क्या कर रहे हो? भैया वहाँ बोतल भरी रखी है, लाइट है दिया यार। बहुत बेकार हो गया। एमएस ने इनका साड़ी चमका। वो लेने के चक्कर में गाय से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मूव कैसे कर रहे हो? हमारा सिर पिरा रहा है। ए भगवान, कैसे बोलते माय लेग इज फेलिंग? हाँ नहीं, माय लेग इज फेलिंग। थोड़ा मूवी दिखा दो, सब्जी दिखा रहे हो। तो गाइस यहाँ पे मटर ऐड हो गए, इधर दूध रखा था सब्जी की, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सब्जी तैयार होने वाली है। यहाँ पर चाय बनने वाला है, जल्दी बात आपको पता है ना। अच्छा, क्या चाय बनेगी? यस चाय बनेगी। ठीक, तो अभी यहाँ पे इतना सारा सामान और है, लेकिन मम्मा ने ऐड अभी तक नहीं किया। मुझे लग रहा है मेरा बेटा भी ब्लॉगर बनेगा क्या? नहीं। हाँ नहीं। यस थैंक्स सर। मैं मेरे बच्चे को इन सबसे दूर रखती हूँ। वो तो पता नहीं इसके मूड में क्या आया कि लाओ मम्मा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तुमने कहा भैया बच्चे का दिल नहीं तोड़ते, रिकॉर्ड कर लो। ठीक है जाओ बाप। तो गाइस यहाँ पे चाय बनने वाली है, सब्जी बन रही है, लेकिन एक चीज अभी तक नहीं ऐड की, ये और वो। ये है कोहड़ौरी और ये है मसाले। अब मसाले ही ऐड करने की बारी है। मसाले आएंगे। ओ लो कटूस, ये देखो। अब ओ तांचे 5x कर रहा हूं मैं। सब
सो फ्रेंड हम लोग घर आ गए हैं। हमने थोड़ा ही क्लिप रिकॉर्ड किया था, क्यों? क्योंकि हम लोग पहली बार किसी के घर पे गए थे और हम लोग को वहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था किसी के सामने ऐसा ब्लॉगिंग करते हुए। तो हमने थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया था, वो भी हम लोगों ने नहीं, नंदा ने जो कर लिया था वही कर लिया था, हो गया था। तो चाची कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। एक्चुअली हम लोग पहली बार गए थे, अगर पापा जी की सिस्टर होती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन उनकी जो बहुएं थी बहुत अच्छा उनका। हाँ सच में बहुत ही ज्यादा, मतलब वो इमोशनल हो गई बिल्कुल कि हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, उन लोग को बस इतना ही था कि हम लोग आ गए थे वहाँ पे। और हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिलती हूँ तो कैमरा चालू ही नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं पता ना सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। तो वहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और हम लोग ना आ गए थे, आधे घंटे रुके थे। हाँ आधे घंटे हम लोग गए थे, मिले थे सबसे, थोड़ा बहुत खाया पिया था, उसके बाद हम लोग निकल गए थे तुरंत। हाँ निकल आए थे हम लोग, क्या बोलते हैं, जयमाल वगैरह या फिर किसी भी चीज में हम लोग नहीं थे क्योंकि काफी दूर था। हम लोग पहुंचे तो वही पूजा हो रहा था, जो मतलब दूल्हे का द्वार पूजा हो रहा था, मतलब एंड ही हो चुका था, थोड़ा सा बचा था बस। और इसके बाद फिर हम लोग मिले, इसके बाद वापस आ गए, हम लोग आ गए। तो ब्लॉग का एंड तो हुआ नहीं था, हम सोचे कि बता दिया जाए आप लोग को। हाँ हम लोग को कैसा फील हो रहा था वहाँ पे, हम लोग बता दिया। तो कैसा लगा ब्लॉग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप लोग कैसे फील करते किसी के घर पहली बार जाने पे, ये भी जरूर बता देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।